हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माला कुकिंग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बचे हुए चावल से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी, जो बहुत ही कम तेल में और बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आए तब भी आप इस तरह के नाश्ते उन्हें बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने बचा हुआ चावल लिया है, इसे हम मिक्सर पीस लेंगे और इसमें हम ये डाल देंगे कि अदरक 2-3 मिर्ची और ये लहसुन 2-3, और इसे हम मिक्सर में डाल के पहले पीस लेंगे। ऐसे भी डाल देंगे इस तरह से, ये इसे मैंने पीस लिया है। इस तरह का हो गया पूरा, ये देखिए। जैसे मैं इसमें निकाल लूँगी, यहाँ पे निकाल लिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम सूजी डालेंगे, और 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा, और हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, हल्दी, अमचूर पाउडर के बाद हम चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, और ये प्याज, और इसे हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पसंद कोई और भी सब्जी इसमें डालने का अगर मन हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए, इसे मैंने मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से हो गया है। अगर ये हाथों में अगर आपके चपके तो इसमें थोड़ा ऑयल लगा के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, हाथों में बहुत जल्द चिपकते हैं। तब हम इसके बोल्स बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, ये प्लेट लिया है, इसमें मैंने ऑयल लगा के इसे चिकना कर लिया है, और हाथों में भी इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से लेंगे और इसके बोल्स बना लेंगे। अच्छी तरह से, और हाथों में से यहाँ बीच में इस तरह से होल कर देंगे दोनों साइड से, इस तरह से कर देने से बीच में भी अच्छी तरह से पक जाते हैं। इसलिए ये देखिए, इस तरह से कर देंगे, इस तरह से हम बनाएंगे सारे। इस तरह से रख लीजिए। इस तरह से मैं सारे बना लूंगी। तो देखिए, यहाँ पर सारे मैंने बना लिए, और इसे आप तवे पे भी बना सकते हैं, मगर मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने। इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, ऑयल को इस तरह से मिला देंगे। तो हमारा ऑयल देखिए गर्म हो चुका है, तब इसमें हम ये डाल देंगे। इस तरह से, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, और जब नीचे से इसके कलर थोड़े चेंज हो जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे। देखिए, इसके कलर चेंज हो गए हैं नीचे से, तब इसे इस तरह से हम पलट देंगे। इस
इसी तरह से अगर नीचे से भी हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से अच्छे पक चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए दोनों साइड से एकदम अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। अच्छा बाकी सारे को भी हम तल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तब आप उन्हें ये देंगे तो उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि इसे आप चावल से बनाए। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत ही अच्छे लगेगी। और इसे आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो इस तरह के आप चावल से बनने वाले रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और आप को ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।